चलिए, गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल एग्जाम रेस। आज हम आपको ये लेके आए हुए हैं टॉप 30 क्वेश्चन, जिसमें आपको जीके जीएस का क्वेश्चन मिलेगा और ये पूछा हुआ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है। ठीक है, तो चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। और हाँ, हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंडों के पास। ठीक है, तो चलिए आते हैं, स्टार्ट करते हैं देर नहीं करते हुए। चलिए, और हाँ, एक क्वेश्चन पे मतलब कि जैसे कि याद होगा आपके लिए, तो एक क्वेश्चन को हम 2 से 3 बार हम बोल देंगे ताकि जिनको याद ना हो वो साथ में रिपीट करें तो उसे याद हो जाए। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, रणनीतिक धातु किसे कहते हैं? रणनीतिक धातु टाइटेनियम को कहते हैं। किसे कहते हैं? टाइटेनियम को। रणनीतिक धातु किसे कहते हैं? टाइटेनियम को कहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफ़ेद सोना किसे कहते हैं? सफ़ेद सोना प्लैटिनम को कहते हैं। किसे कहते हैं? प्लैटिनम को। ये काफ़ी बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये लगभग आरआरबी जेई में 2-3 बार पूछा गया है। ठीक है, आरआरबी जेई में ही और एसएससी में भी 1 बार पूछा गया है। ठीक है, तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान मनुष्य का हृदय का भार कितना होता है? फिर बताइए, समान मनुष्य के हृदय का भार कितना होता है? तो लगभग 300 ग्राम होता है। कितना होता है? 300 ग्राम, 300 ग्राम। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम का वनस्पतिक का नेम क्या होता है? नाम आम का वनस्पतिक नाम क्या होता है? मेंजी फेरा इंडिका। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन में आया हुआ है। ठीक है, प्रीवियस ईयर में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? देखिए, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है उसको बोलते हैं त्वचा। वही बोलते हैं कि मानव शरीर का सबसे बड़ा हड्डी कौन सा होता है? वो फीमर, जो मनुष्य के जांग में पाया जाता है। ठीक है, तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो रक्त का पीएच मान होता है 7.4। कितना होता है? 7.4। तो चलिए, इसको हो जाएगा 7.4। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूत्र का पीएच मान क्या होता है? मूत्र हो गया या पेशाब, कभी कभी लिखता है पेशाब, का पीएच मान कितना होता है? इसका पीएच मान होता है 6.0। कितना होता है? पीएच मान 6.0। हाँ, नेक्स्ट वीडियो में पीएच मान का वीडियो भी लाएंगे। ठीक है, जिसमें आपको सारा सब चीज़ का पीएच का मान आपको दिया हुआ रहेगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वदाता समूह कौन सा है? सर्वदाता समूह ग्रुप जो सभी को देते हैं, तो ओ ग्रुप वाले सभी को दे सकते हैं। ठीक है, ओ ग्रुप बोले तो ओ पॉजिटिव। ठीक, ओ पॉजिटिव वाले ही सर्वदाता समूह होते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापा जाता है? तो दूध जो शुद्ध होता है उसको मापने के लिए कोई तो यंत्र होगा, उसको कहते हैं लैक्टोमीटर। इसको कहते हैं लैक्टोमीटर। हाँ, वीडियो क्वेश्चन बन रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका आंसर है सोडियम क्लोराइड। क्या नाम है? सोडियम क्लोराइड। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था सोडियम क्लोराइड। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये इतना आसान आसान क्वेश्चन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ताप पर पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पे पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है। ठीक है, पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है जो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसोई घर में प्रयोग की जाने वाली गैस में कौन कौन सी गैस का मिश्रण होता है? जो गैस करते हैं किचन में, उसमें कौन सा गैस का मिश्रण होता है? तो उसका होता है प्रोपेन और ब्यूटेन का। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक्सपेक्टेड भी क्वेश्चन है, जो आगे क्वेश्चन में आंसर क्या बोलते हैं उसको एग्जाम में भी आएगा और एक एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाफिंग गैस किसे कहते हैं? तो लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड को कहते हैं, N2O का। ठीक है, N2O को नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं, यह लाफिंग गैस है। कभी कभी रुलाने वाला गैस से पूछ देता है। ठीक है, तो ऐसा भी याद रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कच्चे फल को पकाने के लिए किस गैस का उपयोग करते हैं? तो चलिए बताइए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है,
कच्चे फलों को पकाने के लिए हम एथिलीन गैस का उपयोग करते हैं। किसका करते हैं? एथिलीन गैस का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? वो टंगस्टन का बना होता है। किस धातु का बना हुआ होता है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में दीजिए। टंगस्टन का बना होता है। और हाँ, मतलब जब जब भी क्वेश्चन बने उसका आंसर तुरंत कमेंट बॉक्स में लिख दें, ताकि आपको उससे कोई भी जानकारी हो तो आप किसी को दे सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, जितना से जितना क्वेश्चन के आंसर को कमेंट किया जाएगा, उतना ही क्वेश्चन आपका याद होगा, वो हमेशा के लिए आपको याद रहेगा। ठीक है, तो इस वीडियो में देखते हैं कि कितना आपका क्वेश्चन बन सकता है। जितना क्वेश्चन बने वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि हमें इतना क्वेश्चन बना, और जो जिसमें दिक्कत है वो कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसका हम डिटेल में आपका हेल्प करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रकाश की गति कितनी होती है? प्रकाश की गति कितनी होती है? तो इसमें पूछ रहा है, तो हमेशा निर्वात में ही पूछता है। तो ये होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की गति कितनी होती है? ठीक है, जनरली 330 दिया जाता है, लेकिन ठीक है, इसमें है ध्वनि की गति कितना होती है? 332, 330 भी याद रखते हैं तो उसके आसपास में हो जाता है आंसर। ठीक है, 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली का आविष्कार सन में हुआ, किस सन में हुआ, मतलब कब हुआ, कब ईस्वी में हुआ बिजली का आविष्कार? बिजली का आविष्कार हुआ 1672 में, 1672 में। चलिए बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्तियाँ हरे रंग की क्यों होती है? जो पत्ती होती है पेड़ पौधे की, वो हरे रंग की क्यों होती है? किसी के तो कारण होगा ना, जो हरा रंग का होता है, तो वो होता है क्लोरोफिल के कारण। क्लोरोफिल के कारण पत्ती हरा होता है, क्लोरोफिल के कारण पत्ती हरा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांद तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? तो चांद तक पहुंचने में 3 दिन लगता है, लगभग 3 दिन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, वाहन में चाल की वृद्धि को दर को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? देखिए, जो गाड़ी होता है, गाड़ी में जो एक्सेलरेटर होता है, एक्सेलरेटर या वेलोसिटी, मानिए वेलोसिटी को जो तेज होता है, क्या बोलते हैं उसको, जो वेलोसिटी को मापता है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं एक्सेलेरोमीटर। क्या बोलते हैं? एक्सेलेरोमीटर। ठीक है, ये आया है एक्सीलेटर से, क्या होता है, एक्सीलेटर देते हैं ना गाड़ी में, उससे आया है एक्सेलेरोमीटर। ठीक है, विमान की ऊंचाई को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? विमान की ऊंचाई को मापने के लिए अल्टीमीटर का यूज किया जाता है। ठीक है, देखिए भाई लोग, क्वेश्चन बनाने में टाइम लगता है, प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य से प्लूटो की दूरी कितनी है? तो सूर्य से प्लूटो की दूरी लगभग 586.56 करोड़ किलोमीटर है। कितना है? सूर्य से प्लूटो की दूरी 586.56 करोड़ किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाय में कौन सा तत्व पाया जाता है? चाय में देखिए, चाय में कैफीन, टेनिस एंड थियोफाइलिन पाया जाता है। ये हमको पता है कि आपको कैफीन याद होगा, क्या होगा, कैफीन आपको याद होगा, तो ये तीनों भी याद कर लेना है। ठीक है, टेनिस और थियोफाइलिन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा रसायन है जो पानी में भी जलता है? चलिए, रसायन का, उस रसायन का नाम है जो पानी में भी जलता है, उसे सोडियम कहते हैं। क्या, किसे कहते हैं? सोडियम कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवाई जहाज़ की गति को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? हवाई जहाज़ का मापने के लिए जो होता है उसको हाइकोमीटर कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? हाइकोमीटर, हाइकोमीटर। ठीक है, इसको याद रखिएगा ध्यान से। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? जो हमारे शरीर में प्रोटीन होता है वो कहाँ संचय होता है, एक जगह एकत्रित होता है, उसको फैक्ट्री बोलते हैं। फैक्ट्री मतलब जहाँ उत्पादन में होता है, ठीक है, तो उसको फैक्ट्री किसे कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं राइबोसोम को। किसे कहते हैं? राइबोसोम को।
नेक्स्ट है, तंबाकू की पत्ती में क्या पाया जाता है? तंबाकू की पत्ती में निकोटीन पाया जाता है। ठीक है, काफ़ी बार इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, और आगे है, अंगों को अध्ययन करने वाला शाखा क्या कहलाता है? अंगों को, ऑर्गन को अध्ययन करने वाले ब्रांच क्या कहलाता है? उसको कहते हैं ऑर्गनलॉजी। किसको बोलते हैं? ऑर्गन के बारे में जो अध्ययन करता है उसको ऑर्गनलॉजी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूलों को अध्ययन करने वाला क्या कहलाता है? जैसे कि ऑर्गन को अध्ययन करने वाला का है ऑर्गनलॉजी, या जैसे वैसे ही फूलों को अध्ययन करने वाला का आएगा एंथोलॉजी। ठीक है, तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, जो आपका उसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत को रोकती है। ठीक है, अच्छा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। और हाँ, इस क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर तुरंत आंसर बॉक्स में बताना है, सॉरी आंसर बॉक्स में तुरंत बताना है, 31 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, आंसर तुरंत कमेंट बॉक्स में बताना है। और हाँ प्लीज़ यार, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें। और हाँ कि इस वीडियो में जहाँ भी त्रुटि हो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि अगला वीडियो जब भी आए उसमें आपको त्रुटि ना मिले। थैंक यू।